नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। रेलवे की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 5 जून की अपडेट जानकारी सामने निकल कर आ रही है और आप लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों अभी भी खबर आ रही है कि स्पेशल ट्रेनों के बाद अब कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी, तो दोस्तों हम इन एक्सप्रेस ट्रेनों के नाम बताएंगे और तत्काल टिकट कब से मिलेगा कन्फर्म हो गया है, तो दोस्तों हम आपको एक एक करके सारी जानकारी बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों लंबे समय तक लॉकडाउन के चलते ट्रेनों का परिचालन बंद रहने के बाद एक बार फिर भारतीय रेलवे कुछ अहम ट्रेनों को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। कई दिन तक पूरी तरह से ट्रेनें बंद रहने के बाद श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी और उसके बाद भारतीय रेल वापस धीरे धीरे पटरी पर लौटने की कोशिश कर रहा है। इस बीच तेजस और महाकाल एक्सप्रेस को फिर से चलाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल रिपोर्ट्स के अनुसार IRCTC इन ट्रेनों के लिए शेड्यूल तैयार करने में जुटा हुआ है और हरी झंडी मिलते ही इन ट्रेनों को शुरू कर दिया जाएगा। जाहिर तौर पर लंबे लॉकडाउन के बाद इस बात का एहसास रेलवे को हुआ है कि बहुत अधिक समय तक कॉरपोरेट ट्रेनों को भी बंद नहीं रखा जा सकता। गौरतलब है कि भारत की पहली कॉरपोरेट ट्रेन तेजस दिल्ली से लखनऊ के बीच शुरू की गई थी और इसके बाद दूसरी ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच शुरू की गई थी। महाकाल एक्सप्रेस को इसके बाद काशी विश्वनाथ से इंदौर के बीच शुरू किया गया था। 30 जून से मिलने लगेंगे तत्काल टिकट। नियमों में होगा बदलाव, ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से ही बुकिंग होगी। 30 जून के बाद एक्सप्रेस ट्रेन बनकर ट्रैक पर आ सकती हैं पैसेंजर ट्रेनें। जी हां दोस्तों, प्रारंभिक स्टेशन से ही बुकिंग होगी। रेलवे द्वारा अभी तक तत्काल टिकट की बुकिंग सामान्य टिकटों की तरह की जाती रही है, लेकिन 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 जरा ठहरिए, अब रेलवे ने बुकिंग में बदलाव का निर्णय किया है। इसके तहत अब तत्काल टिकट ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से ही बुक हो सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुरी से नई दिल्ली जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में प्रयागराज जंक्शन से कोई पैसेंजर तत्काल टिकट बुक कराना चाहता है तो वह टिकट बुक नहीं करा सकेगा। तत्काल टिकट पुरी स्टेशन से ही बुक होगा। ट्रेन के शुरुआती स्टेशन यानी पुरी स्टेशन के अलावा किसी भी अन्य स्टेशन से तत्काल टिकट बुक नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों 30 जून से तत्काल टिकट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप लोग तत्काल टिकट लेकर अपनी यात्रा को सुखद बनाइएगा। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।